जय हिंद, वेलकम टू कारवां। भाइयों, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो सब कुछ होने के बावजूद भी मार्केट में फेल हो गए। मतलब कुछ प्रोडक्ट्स अभी तक ऑटोमोबाइल मार्केट में ऐसे आए हैं जो सब कुछ था उनमें उस टाइम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बट उसके बाद भी वो फेल हो गए। ऐसा ये प्रोडक्ट ही हमारे सामने खड़ा है, फोर्स मोटर्स का फोर्स 1 SUV। ये SUV आई थी उस टाइम पर 2.2 लीटर इंजन, मतलब 2200 CC फोर सिलेंडर इंजन के साथ में, और इसका सीधा कंपैरिजन था, सीधा इसकी टक्कर थी महिंद्रा स्कॉर्पियो और टाटा सफारी से। गाड़ी में अगर उसके हिसाब से देखें तो सब कुछ था, 16 इंचज एलॉय व्हील्स इसमें व्हील बेस के साथ में दिया गया था, अंदर स्पेस की कोई कमी नहीं थी गाड़ी की। अगर सिर्फ एक चीज़ इसकी अगर कंपैरिजन सफारी और स्कॉर्पियो की थी तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस उनके मुकाबले थोड़ी कम थी। बाकी गाड़ी की रोड प्रेजेंस, गाड़ी को चलाने में और गाड़ी का माइलेज भी अगर बात करें तो उनसे माइलेज ज़्यादा था, स्कॉर्पियो और टाटा सफारी से माइलेज ज़्यादा था, और कीमत भी उसी के नियर अबाउट थी उनसे। कहीं भी किसी भी तरह से ऐसा नहीं था कि कीमत उनसे ज़्यादा थी या ओवर रेटेड कार थी। पर कार सब कुछ होने के बावजूद भी मार्केट में आउटडेटेड हो गई और फेल हो गई, जिसका रीज़न अगर आपको कुछ समझ में आता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बट मेरे को जो एनालाइजेशन के बाद में, जो स्टडी के बाद में मुझे जो रीज़न्स लगे उसमें लमसम 3 रीज़न्स निकल कर आ रहे हैं। पहला रीज़न तो ये है कि फोर्स मोटर्स एक पुरानी कंपनी होने के बावजूद भी, मतलब इसका फोर्स मोटर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस की अगर आप बात करो, व्हीकल मेकिंग एक्सपीरियंस की, तो वो मेरे ख्याल से क्या वो लगभग महिंद्रा और टाटा सफारी से तो खैर काफ़ी ज़्यादा है, और लगभग 1958 से ये कंपनी ये कमर्शियल व्हीकल्स में है। बट इनको इन्होंने फोर्स मोटर्स के नाम से शायद 2000 के बाद में शुरू किया था, जो मैं एक्चुअल अपडेट स्क्रीन पर कर दूंगा। 2000 के बाद इन्होंने फोर्स मोटर्स के नाम से शुरू किया था, बट उसके बाद भी इतना अच्छा एक्सपीरियंस होने के बाद भी इनको इन्हीं के कंट्री में, ये टोटली इंडियन कंपनी है, इनको इन्हीं के कंट्री में बहुत कम लोग जानते थे। जब इन्होंने अपना प्रोडक्ट फोर्स 1 लॉन्च किया था उस टाइम पर बहुत कम लोगों को पता था कि फोर्स मोटर्स के नाम से कोई कंपनी है। और भाई, जैसे कि इंडिया में कंपनी अगर गाड़ी खरीदी जाती है तो नेसेसरी से पहले लग्जरी देखी जाती है, तो लग्जरी का मतलब हो गया कि जो ब्रांड है इट शुड बी रिनाउंड नेम, मतलब ऐसा नाम होना चाहिए जिसके बारे में लोगों को पता हो, बट फोर्स मोटर्स के बारे में वो पता नहीं था। तो पहली चीज़ तो मुझे लगती है ब्रांड अवेयरनेस की कमी थी। दूसरी चीज़, ब्रांड की जो एडवर्टाइजमेंट थी वो भी मेरे ख्याल से गलत थी। जो इन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया वो इंडिया की मोस्ट फेमस पर्सनैलिटी अमिताभ बच्चन को उस पर लिया था, बट अगर आप देखें तो टाटा और महिंद्रा उस टाइम पर लोगों की या मार्केट की नब्ज पकड़ चुके थे, मतलब उसको समझ चुके थे SUV सेगमेंट को, कि इसको किस तरह से लॉन्च करना है। वो ऑफ रोडिंग दिखा रहे थे, वो उसकी फीचर्स दिखा रहे थे, वो उसकी पावर या उसके अदर थिंग्स को ज़्यादा हाईलाइट कर रहे थे रदर देन किसी पर्टिकुलर फेस के, कि ये हमारा ब्रांड एम्बेसडर है ना। आपने कभी भी देखा होगा सफारी या स्कॉर्पियो को लेकर कोई बहुत रिनाउंड नेम आपने कभी नहीं देखा होगा, बट उसके बाद भी वो चलती हैं, क्योंकि जो ऑफ रोडिंग के या फिर जो एक अच्छी प्रेजेंस उस पर चाहते हैं सड़क पर, वो उनको अभी भी आज भी प्रेफर करते हैं। उसके इस गाड़ी में वो सब कुछ था, बट उसके बाद भी ये मुझे लगता है कंपनी ब्रांड एडवर्टाइजमेंट में कस्टमर की नब्ज नहीं पकड़ पाई या मार्केट को नहीं समझ पाई। ये दूसरा रीज़न था। तीसरे रीज़न की अगर बात करें तो तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न था वो था प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, प्रोडक्ट का टाइम पर अपग्रेड किया जाना और सर्विस सेंटर्स की अवेलेबिलिटी। अब जैसे फोर्स के शोरूम्स सभी जगह अवेलेबल नहीं थे उस टाइम पर, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी सभी जगह नहीं हो पाई, और अगर किसी ने परचेज़ भी किया तो उसके बाद में आफ्टर सेल्स सर्विस बहुत डिपेंड करती है। सर्विसेज अगर वर्कशॉप में जाओ तो बात अलग है, बट वर्कशॉप का अवेलेबल होना और दूसरी चीज़ वर्कशॉप में अंदर जाने के बाद में वहाँ की सर्विसेज का होना, जो कस्टमर पर्सनल अपने कंफर्ट के लिए 10-15 लाख रुपए खर्च कर रहा है, उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ और आज की भी मैं बात कर रहा हूँ, जो कस्टमर अपने पर्सनल सेगमेंट, अपने पर्सनल कंफर्ट के लिए पैसा खर्च कर रहा है अपने व्हीकल पर, वो फिर एक्सपेक्ट करेगा कि उस कंपनी का सर्विस सेंटर भी ऐसा हो कि वहाँ पर उसको सारी सर्विसेज वहाँ पर मिल सकें, है ना। तो मेरे ख्याल से जो इनका अपग्रेडेशन था अपने शोरूम्स को लेकर, अपने सर्विस सेंटर्स को लेकर, एज वेल एज प्रोडक्ट को टाइमली अपडेट नहीं किया गया, जिसकी वजह से प्रोडक्ट मार्केट से आउट होता चला गया। अब जैसे फोर्स के ही दूसरे प्रोडक्ट, फोर्स गोरखा की अगर बात करें, तो गोरखा जो प्रोडक्ट है बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ऑफ रोडिंग के लिए बहुत अच्छी SUV है और महिंद्रा थार का बहुत नियरेस्ट कॉम्पिटिटर है, बट उसको बहुत ज़्यादा लोग आज भी शायद नहीं जानते हैं। और अगर उसकी अवेलेबिलिटी की बात करें तो आप यू वुड नॉट बिलीव कि यहाँ आस पास मेरे 150 किलोमीटर के सराउंडिंग, इवन 125 किलोमीटर के सराउंडिंग तक मैं बता रहा हूँ, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी नहीं है। फोर्स गोरखा एक हाईली डिमांडेड प्रोडक्ट है SUV सेगमेंट में, और उस पर मैं डेफिनेटली एक वीडियो लेकर आऊँगा,
अभी इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।